लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीबी न्यूज में। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा इलेक्शन को लेकर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। इससे पहले खबरें ये भी आ रही हैं कि उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर कांग्रेस के दो नेता आपस में भिड़ गए हैं। चर्चा है कि टिकट बंटवारे पर राहुल के सामने भिड़ गए दिग्विजय और सिंधिया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में गुटबाजियां खुलकर सामने आ गई हैं। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को देर रात तक चली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच बहस हो गई। यह सब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के सामने हुआ। अब विवाद को सुलझाने के लिए राहुल गांधी ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। गुरुवार को कांग्रेस की पहली सूची जारी होने की उम्मीद है। दरअसल प्रत्याशियों के चयन को लेकर कांग्रेस की केंद्र चुनाव समिति की ये तीसरी और आखिरी बैठक थी। बताया जा रहा है चुनाव समिति के मामले को सुलझाने के लिए दोनों नेताओं के साथ रात 2:30 बजे तक बैठक की गई। दिग्विजय और सिंधिया के बीच जब सहमति नहीं बन पाई तो राहुल ने अशोक गहलोत, वीरप्पा मोइली और अहमद पटेल की एक नई समिति का गठन किया। हालांकि इस मामले पर वीरप्पा मोइली का कहना है कि मध्य प्रदेश में टिकट को लेकर कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में हमेशा गुटबाजियां होती रहती हैं। हाल ही में दिग्विजय सिंह के नाम से 27 अक्टूबर को लिखा गया पत्र वायरल हुआ था। इसमें पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को संबोधित किया गया था। इसमें लिखा गया था कि 57 प्रबल दावेदारों के नाम पहुंचा रहा हूं जिन्होंने सालों से केवल पार्टी के लिए काम किया है। बाहर से आए नए नेताओं की जगह इन्हें मौका देना चाहिए। हालांकि बुधवार को दिग्विजय ने ट्वीट कर बताया कि यह सब झूठ है, ऐसा पत्र उन्होंने कभी नहीं लिखा। एमपी में लगातार सीटों को लेकर दिग्विजय, सिंधिया और कमलनाथ के बीच में खींचातानी होती रहती है। इस न्यूज में अभी के लिए इतना ही। आपको ये न्यूज कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।